क्लास नाइन्थ में जाने वाले स्टूडेंट और टेंथ के लिए तो पता ही रहे हैं, लेकिन नाइन्थ वाले भी सीख लें क्योंकि उन्हें टेंथ में दिक्कत ना हो। देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन वो कैसे करना है? बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? यानी कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। जब वो पहले से बोल दिया क्वेश्चन कि नहीं, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो। या रूट्स निकालने का एक फार्मूला होता है जो श्रीधराचार्य रूल बोला जाता है, उससे भी तुम नहीं बना सकते हो। तुम्हें ये कंपलसरी हो गया कि इस मेथड से बनाओगे तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना? तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो कल भी बताए थे आपको, सबसे पहले वर्क क्या होता है भाई? किनारे किनारे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो माइनस सिक्स है और एक्स स्क्वायर है, उसका गुना करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर होगा। ये देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, इसीलिए सोचना पहले, ठीक है ना? अब उसमें सिक्स का क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर करते हैं। दो गुने तीन और तीन गुने एक, तो दो गुने तीन गुना एक लिख दिए। अब इसी में से दो पेयर ऐसा लेते हैं कि बीच वाला आ जाए। अब ज़रा सोचो तुम कि ये बीच वाला आ पाएगा, टू रूट टू एक्स, ये कहानी आ पाएगी? क्योंकि दो लोगे तीन लोगे तो तीन दो पाँच आ जाएगा। यानी कि तुम खुद सोचो कि दो रेशनल नंबर का एडिशन, दो रेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल नंबर कैसे आ सकता है? क्योंकि टू रूट टू तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना? तो निश्चित रूप से तुम्हें इस फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना होगा, इस फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना होगा कि वो इरेशनल बन जाए, क्योंकि इरेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन रेशनल और रेशनल का सम कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता है, ये बात में समझ में आना चाहिए। तो तुम एक काम करो कि यहाँ पे रूट टू देख के क्या सोचो कि ये रूट टू को, इस टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट टू इन टू रूट टू अगर लिख दें, इस तीन को रहने दें, तो क्या दिक्कत है? तब तो चल जाएगा ना काम हमारा, क्योंकि ये तो दो ही है लिखा हुआ, दो को रूट टू है तो एक को दो बाहर कर लेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? अब सोचो कि टू रूट टू कैसे आएगा। तो सोचो कि अगर हम लोग इसको अकेला कर दें रूट टू को, और ये थ्री रूट टू को एक साथ ले लें। अब जरा सोचो तो कि दोनों को अगर हम घटा देंगे तो टू रूट टू आ जाएगा, मतलब एक में साइन प्लस एक में साइन माइनस, और लाना है अगर प्लस साइन तो तुम्हें प्लस वाला में प्लस लिखना होगा, बड़े वाला में प्लस लिखना होगा और छोटे वाले में माइनस। अब तीन रूट टू में एक रूट टू घटेगा तो टू रूट टू बच जाएगा। एक्स स्क्वायर जो कहानी थी उसके लिए एक एक्स इसमें डालते हैं, एक एक्स इसमें डालते हैं, ठीक है? अब तीन रूट टू एक्स में से एक रूट टू एक्स घटेगा तो टू रूट टू एक्स बच जाएगा प्लस में, और जब इसका गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस थ्री वन जा थ्री, और रूट टू का गुना होगा तो टू, तो ये माइनस सिक्स भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, और एक्स एक्स का गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट करने पर ये माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर भी आ गया, और इसको ऐड करने पर बीच वाला भी आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे यही दिमाग लगाना था कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ के ही आ पाएगा एक इरेशनल नंबर, तो इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें सोचना होगा कि किसको आखिर रूट टू रूट थ्री लिखेंगे, तो रूट थ्री जुटेगा तो रूट थ्री के सम में आएगा, इसीलिए इसमें रूट नहीं लगाया गया। ये चीज़ समझ में आना चाहिए, यानी कि किसमें रूट लेना है और किसमें नहीं लेना है वो तुम खुद सोचोगे, है ना, अपने दिमाग से, ठीक है? तो अब लिख देते हैं बीच में, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू एक्स और प्लस थ्री रूट टू इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे भी दिमाग लगाना है, यहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है जी? एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस रूट अंडर टू ले लेंगे। फिर प्लस, यहाँ पे देखो तुमको लग रहा होगा कि केवल थ्री कॉमन है, तो थ्री भी कॉमन है लेकिन मैक्सिमम कॉमन देखा जाता है, और देखा जाता है कि ये वाला जो क्वांटिटी है अगला ये सेम होना चाहिए ये ब्रैकेट में। तो इसमें से तुम जब थ्री रूट टू कॉमन जबरदस्ती लोगे तभी तो यहाँ केवल एक्स लिख पाओगे ना, तभी तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम होगी। तो तुम थ्री रूट टू जबरदस्ती लिए तो क्या लोग रखोगे कि यहाँ मल्टीप्लाई थ्री रूट टू एक्स आ जाएगा, एक्स केवल। फिर यहाँ पे माइनस, क्योंकि साइन बाहर में प्लस है तो अंदर में हम माइनस ही लिखेंगे बिना चेंज किए हुए। अब यहाँ पे सोचो कि क्या लिखे ताकि यहाँ वाला नंबर का इसमें गुना होके सिक्स आ जाए, माइनस सिक्स आ जाए, तो प्लस माइनस तो माइनस आ ही रहा है, खुद सोचो।
यहाँ से देख के तुम सोच सकते हो कि अगर ये रूट टू है तो यहाँ भी रूट टू लिख के आज सोचो तो क्या ये सिक्स आ जाएगा, तो तुम्हें देख गया कि सिक्स आ जाएगा क्योंकि रूट टू से टू बाहर आएगा और तीन दुना के छः आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन सही है, तो x माइनस रूट टू फिर कॉमन लो लोगे तो क्या बचेगा x प्लस थ्री रूट टू, क्योंकि इसमें x बचेगा, इसमें x माइनस रूट टू कॉमन है तो थ्री रूट टू बचेगा इज इक्वल टू जीरो। तो अब पहला डब्बा जीरो या फिर दूसरा डब्बा जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू रूट टू हो गया और यहाँ से x का वैल्यू माइनस थ्री रूट टू हो गया, तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा x बराबर रूट टू और कॉमा माइनस थ्री रूट अंडर टू। इसको ऐसे बॉक्स में घेर के आंसर लिख देंगे यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आई? अब ये क्वेश्चन तुम खुद से पहले बनाओ, पहले खुद से बनाओ उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है? कुछ समय देते हैं हम तुमको। तुम वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? वीडियो को पॉज करके एकदम देखो, अगर सीखना है तो वीडियो को अभी पॉज करो फिर समझो, ठीक है? और उसके बाद फिर बना के देखो कि तुम्हारा आंसर जो आया हुआ है वो, फिर वीडियो को देखो कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो हम इतना रुक नहीं सकते हैं। सबसे पहला वर्क क्या होता है भाई? किनारे किनारे नंबर का मल्टीप्लाई करना, तो सेवन रूट थ्री का गुना करना होगा तुम्हें रूट अंडर थ्री एक्स स्क्वायर से। तो कुछ लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो जाएगा तीन बाहर हो जाएगा, तो सात या इक्कीस हो जाएगा, इक्कीस एक्स स्क्वायर। नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि आफ्टर ऑल तो तुम्हें फैक्टराइज करना ही था। लेकिन अगर तुम मान लो सेवन रूट थ्री लिखते और रूट थ्री लिखते गुना में और गुने एक लिखते, तो क्या तुम यहाँ सोच सकते हो कि दो इरेशनल नंबर को कभी भी जोड़ के रेशनल नंबर नहीं लाया जा सकता है? दो इरेशनल नंबर को जोड़ के रेशनल नंबर नहीं लाया जा सकता है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो निश्चित रूप से तुम्हें गुना तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए तुम 21 लाए और फिर 21 को फैक्टराइज कर दो, तो सात गुना तीन और गुना एक भी लिख सकते हो। अब इससे सोचो कि 10 लाना है तो ये तो आसान है, 7x 3x ये तो आसान है ना। अब बीच में ट्रांसफ़र कर दो तो रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 रूट अंडर 3 इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या कॉमन है भाई? x के अलावा तो कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तुम्हें क्योंकि रूट थ्री दोनों में तो है नहीं, तो ये रूट थ्री इंटू एक्स बचेगा प्लस 7 तो कॉमन नहीं है, x कॉमन है तो 7 बचेगा प्लस इसमें क्या कॉमन होगा? अब तुम फटाक से 3 देख लोगे, रूट थ्री होगा क्योंकि इस थ्री को हम लोग रूट थ्री गुना रूट थ्री लिख सकते हैं, तो रूट थ्री दोनों में है। क्या बचेगा इसमें? रूट थ्री इंटू एक्स है ना, तभी तो मल्टीप्लाई होकर थ्री बनेगा, प्लस रूट थ्री तो कॉमन है तो सेवन लिख दोगे ताकि सेवन रूट थ्री भी मल्टीप्लाई करके हो जाए, और ये चेक कर लोगे कि ये दोनों ही क्वान्टिटी सेम है कि नहीं, तो रूट थ्री एक्स प्लस सेवन रूट थ्री एक्स प्लस सेवन सेम है, तो मतलब तुम सही बना रहे हो। अब क्या कर देंगे हम लोग, जो कॉमन पार्ट दिख रहा है उसे कॉमन ले लेंगे, जो बराबर दिख रहा है, जो बच गया x और रूट थ्री उसे लिख देंगे एक ब्रैकेट में इक्वल टू जीरो। अब पहला ब्रैकेट जीरो, रूट थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा ब्रैकेट जीरो, ठीक है? तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा माइनस सेवन बाई रूट थ्री, और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा माइनस रूट अंडर थ्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस सेवन बाई रूट थ्री। पहले बाद में किसी को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉमा दे देना जरूर आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सकता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखे या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस और फैक्टराइजेशंस का ले जो फैक्टराइजेशन से कंपलसरी है बनाना और जो समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना? देखते हैं।